C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। तुम्हारे साथ ना हमें ये कैद आग का दरिया सब कुछ मंजूर है, बस हमारे साथ रहना। हमारे शौहर होने का फर्ज भी, जब ये दोनों की ताकत मिल जाती है ना जारा, तो ये दरवाजा क्या हम किसी भी चीज से पार कर सकते हैं। हमें पूरा यकीन, तुम कोई ना कोई रास्ता ना निकाल लोगे। रास्ता जरूर निकलेगा, मगर सोचना कैसे है? सोचो जारा। तुम्हें, हमें, यानी कि मिराज अली को अपने इस मुंह से आई लव यू बोलोगी? नहीं, नहीं। जो कुछ भी इस जानवर ने तुम्हारे साथ इन दिनों में किया ना, उसका हिसाब हम नहीं, तुम लोग ही। मारो जारा, इतना मारो कि इसकी रूह तुमसे माफी मांग ले। 6 दिन हुए हैं, तलाक के 5 दिन की मुद्दत अब खत्म तबीर। इसका मतलब है जारा और कबीर की तलाक मुकम्मल हुई। इस मसले के हर पहलू पर गौर करने के बाद इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, तलाक हो गई। आपकी बहू और बेटे ने पहली बार कोई फैसला एक साथ लिया है फिर से शादी करने का। हमारे बेटे की शादी में हमारे अरमान भी पूरे हो रहे। कबीर और सारा की शादी बिना हंगामे के तो नहीं होगी। इस बार हम ऐसा हंगामा करेंगे कि इन दोनों की शादी पूरा लखनऊ याद रखेगा। हमें मार देगी, प्लीज हमें बचा लो कभी, हम मरना नहीं चाहते। अभी रुक जा। दोनों की वजह से उसने शादी की, दोनों उसके जिम्मेदार हैं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें सिर्फ फोन आया कि दुबई में कुछ मसला हो गया। भाभी हमारी बात मानिए, हम वहाँ जाएंगे, जाके मसले का हल ढूंढेंगे। सुभान अल्लाह के मंगलवार के एपिसोड में देखिए। दोनों की वजह से उसने शादी की, दोनों उसके जिम्मेदार हैं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर हम दोनों जिम्मेदार हैं इस मुसीबत के लिए, हम वहाँ जाकर रुकसान को मुसीबत से निकालेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत सारा और कबीर को अलग नहीं कर सकती। ये झूठी FIR भी नहीं। आपके और कबीर की मोहब्बत देख ली है मैंने, ये FIR झूठी है सच्ची, ये कोर्ट तय करेगा। देख लेना मोहब्बत, क्योंकि इसी मोहब्बत की कसम खा के हम आपसे ये कहते हैं कि कबीर को और घर वालों को हम 2 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे से निकलवा के रहेंगे। तुम दुनिया की, मैं पूरे जहां की सबसे अच्छी बीवी। तुम भी दुनिया के सबसे अच्छे शौहर हो। हमारी बहन को सही सलामत वहां से बचा के हमारे पास ले आओगे? बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो। कुरान शरीफ पर हम अपना हाथ रखते हुए आपसे वादा करते हैं कि रुखसार को बचाने के रास्ते में ना हमारे बीच कोई आएगा और ना हम कुछ सोचेंगे। कबीर, तुम जानते हो ना कि हमारे अबू रुखसार के जन्म होने से पहले ही चल बसे थे। हाँ भाभी, हम जानते हैं। और जब हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ तो उन्होंने हमारा हाथ रुखसार के हाथ में देकर कहा कि आज से तुम ही इसकी निगवान हो, तुम ही इसकी माँ जैसी हो, इसलिए चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, हम तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि रुखसार हमारे लिए बहुत खास है। उसे अगर कुछ हो गया ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, उसे कुछ होने मत देना। भाभी, रुखसार को बचाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे, ये आप जानती हैं। हम जानते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, मगर हो तो तुम इंसान ही ना, और कभी कभी इंसान के मकसद में उसके उसके जज्बात हावी हो जाते हैं। देखो, हम जानते हैं कि रुखसार ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था, वो बिल्कुल गलत था,
सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाह वरखातुह। सो द थिंग इज आई वांट टू मीट अ प्रिजनर। हाउ डू आई मीट हर? ओ हिंदी? यस यस सर, आई एम इंडियन। तो जनाब हिंदी में बात कीजिए। जरूर सर, असल में मसला ये है कि हम एक कैदी से मिलना चाहते हैं। कैसे मिल सकते उससे? नाम? सर रुखसार। पासपोर्ट नंबर? सर पासपोर्ट नंबर है उसका P9777975। मैं पूरा भरोसा है तुम पर कभी। तुम हमें यहाँ से ले जाओगे कभी? जरूर लेकर जाएंगे, बस हम सिर्फ जितना तुमसे पूछेंगे ना बस उसका जवाब दे दो हमें रुखसार। कह दो कि तुमने हमदान को नहीं मारा, बस इतना हम जानना चाहते। तुम्हें बचाने की जो कार्रवाई हमें शुरू करनी है ना उसे उसके लिए हमें जानना जरूरी है। खुद को बहुत हॉट समझती ना, अपने जलवे किसी और पे चलाना। फिर को मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तो लिसन, क्या मेरा पृथ्वी लगा रखा है? छीनी वो चीज जाती है जिसकी कोई हाँ, आज मुझे किसी ने लव पे लेक्चर दिया। डिजायर, लोनलीनेस। और कौन है ये समझदार जिसने आपको ये सब समझाया? अभिषेक प्रेम मेहरा कह रहा था अपने प्यार से झगड़ा कर लो, डांट लो, नाराज हो जाओ, लेकिन कभी अक्यूज मत कर। अक्यूज करोगे तो तुम्हारा प्यार तुमसे बहुत दूर चला जाएगा। ये ऑल्सो सेड कि उसने भी कभी अपने प्यार को अक्यूज किया था और उसका प्यार बहुत दूर चला गया और कभी वापस नहीं आया। कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? ये कंगन माधुरी के हैं। निकालो इन्हें। नैनी क्या कह रही? मैं नहीं जानती कि पापा ने तुम्हें और कितने गिफ्ट दिए, लेकिन ये कंगन मेरी माधुरी के। भागो भाई, ये कंगन आपको याद है ना? परमेश्वरा, ये तो अनुप्रिया के कंगन है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी माई कि आपको ये पुश्तैनी कंगन बेचने पड़े? हमारे पुश्तैनी कंगन पेड़नेकर के पास कैसे पहुंच गए? जवाब दो अनुप्रिया। अगले एपिसोड में देखिए कि रेवती द्वारा उठाए गए इस कदम के कारण गुड्डन को मांगनी पड़ी अक्षत जिंदल से मदद। क्या अक्षत निकाल पाएगा गुड्डन की बहन रेवती को पर्व के इस जाल से? अब क्या नया मोड़ लेगी अक्षत और गुड्डन की ये अनोखी कहानी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। हाथ कैसे लगा? तुम्हें इतनी आग लगी हुई ना, तो जाके टेस्ट करवा ले। आप सब सोच रहे होंगे किस चीज का टेस्ट? मीरा के कुवारेपन की जांच। मैं जानना चाहता हूँ कहीं तुम्हें ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। मीरा, तुम जानना चाहते हो ना मैं क्यों कर रही थी वो सब? तो अब मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे से इतना सारा मजेदार कारण देखकर पीछे चूहे दौड़ रहे हैं और रसगुल्ला भी है। अब तो चूहे बाहर ही निकल जाएंगे। पास होकर भी दूर है शांतनु अपनी दोस्त पुचकी से। क्या नीलांबर से किया वादा पुचकी तोड़ पाएगी या फिर कोई नया मोड़ लेगी ये दोस्ती? इस बार मैं एक अलग ही वेदिका दी देख रही हूँ, वो जो अपने बच्चे को वापस लेकर ही दम लेगी। वेदिका द्वारा दी गई चुनौती से अग्रवाल खानदान पूरी तरह से चौंक उठा है। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। पर क्या रुकावटें आने वाली हैं वेदिका की लड़ाई में? क्या अग्रवालों के पैसों की ताकत के सामने जवाब दे देगा उसका हौसला? आखिर कब तक चलेगी दोनों माओं की जंग वेद के लिए? जानिए आपके आ जाने से की